किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानकी जी हनुमान जी की तरफ देखती, जानकी जी कहती हैं, लंक जला के जली न जली हनुमंत विचित्र पूछे तुम्हारी, और कौन सा जादू इसमें है भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। जानकी जी कहती कि बेटा हनुमान, लंका तो जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, लंका में कोई साधारण आग नहीं लगी, जो अपराध भगत कर करई, भगत कर करई राम रोस पावक सोई रही, जो अपराध भगत कर राम रोस पावक सोई, राम रोस पावक। और गोस्वामी जी कहते सुंदर कांड में, साधु अपराध करता उसे राम जी के रोष में जलना ही पड़ता। तो हनुमान जी कहते मैया, लंका में कोई साधारण आग नहीं लगी, लंका में तो राम रोष रूपी पावक लगी। तो मां जानकी जी कहती हैं, बेटा पावक माने भी अग्नि होता है, और अग्नि अपना पराया कभी देखती नहीं, पर तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई, तुम कैसे बच गए। तो हनुमान जी ने जानकी जी के चरण पकड़ लिए, जानकी जी के चरण पकड़े। तो जानकी मैया कहती है, बेटा चरण क्यों पकड़े। तो हनुमान जी कहते हैं, मैया अग्नि में ये सामर्थ्यता तो है कि वो जला देगी, पर अग्नि में एक कोई ऐसा भी वास कर रहा था जिसने हमें बचाने की जिम्मेवारी ले रखी थी। जानकी जी मतलब बोले, आपसे ही तो प्रभु ने कहा था, तुम पावक करहूं निवास जब तब लगी करूं निसाद ना। हनुमान जी कहते मैया, आपसे ही तो कहा था प्रभु श्री राम जी ने कि आप अग्नि में वास करो, कब तक, जब तक हम निशाचरों का नाश नहीं कर दें। तो अग्नि में अगर जलाने की सामर्थ्यता है तो बचाने की सामर्थ्यता आप भी तो विराजमान थी, इसलिए हम बच गए। जानकी जी कहती बात तो विचित्र है, बात सही है। और एक बात, रावण हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से लेता था,
और धन्य रे वीर बजरंग बली। रावण की मूछ हनुमान जी की पूछ ने काट दी। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पूरे युद्ध भर अगर रावण किसी से डरता था तो केवल हनुमान जी से। हाँ, पूरे युद्ध भर उन्हें अगर कभी चर्चा करी तो केवल जब अंगद द्वारा में अंगद गए रावण के पास चर्चा करने, अंगद संधि करने, तो अंगद संधि करने गए समझौता करने, तो रावण यही बोला, बोले वो जो तो राम लक्ष्मण वो तो वनवासी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दमखम ज्यादा नहीं है। तो अंगद बोले तुम्हें डर किससे लगता है? अंगद बोले जही जा रहा नगर प्रथम, जिन्हें पहली बार आके आग लगाई उतना खतरनाक है, बाकी तो नो प्रॉब्लम। रावण कहता था तो पूरे युद्ध भर अगर रावण डरा तो हनुमान जी की पूंछ से। और हनुमान जी की पूंछ मजबूत क्यों ना हो, जिसकी पूंछ राम से हो उसकी पूंछ मजबूत क्यों ना हो। रघुपति प्रिय भक्तम वात जा हनुमान जी की पूंछ क्यों मजबूत ना, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ राम जी से है। हमने सुना कि रावण पूरे युद्ध भर केवल हनुमान जी को हराने का प्रयास करता रहा। पूरे युद्ध भर रावण को लगता था कि अगर हनुमान जी को हरा दिया ये बंदरा को, तो अपन गेम जीत गए, युद्ध जीत गए। और इसने प्रयास भी किया। हमने सुना है एक महापुरुष के मुख से कि एक बार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था राम वहां लंका में, तो रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए चार प्रकार की सेना भेजी, हाथ सवार, घुड़ सवार, ऊंट सवार और पैदल। हाथी पर, घोड़े पर, ऊंट पर और पैदल। लंका के चार दरवाजे थे, चारों दरवाजों से एक एक सेना की टुकड़ी बाहर निकली। राम जी, विभीषण जी, मंत्री हैं जामवंत जी, तो जामवंत जी सब मंथन में बैठे, सब सोचने लगे भैया इतनी सेना आ रही, बंदर तो इतने अपने हैं नैया, राक्षस ना खा जाने, बंदरा बेचारे मर जाने। तो राम जी मन ही मन चिंता करवे, विचार करवे। हनुमान जी दो ही हाथ उठाके बोले प्रभु बोलो ना मानो तो किसी की जरूरत नहीं है, हम ही अकेले काफी है। लक्ष्मण जी हंसन लगे, बोले भाई साहब 100-200 नोइया आऊ ना सीधे लाखन में आया उन्हें राक्षस। हनुमान जी बोले चले आए नो प्रॉब्लम। और रावण ने तो सेना इसलिए भेजी थी कि सुनो युद्ध जीते ना जीते जौन बंदरा पहली बार आग ही लगावे आओ तो वह पकड़ के ले आओ, जिंदा या मरो हर हालत में। और सेना तो नहीं है आ रही थी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो लक्ष्मण भैया, हमें जान दो हम निपटे लाई। विभीषण जी बोले सेना ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, मशीनरी उतनी तुम्हारी लोड नहीं ले पाएगी। हनुमान जी बोले हमारे लोग ओवरलोड होता ही नहीं है। हाँ, आप चिंता ना करो आज्ञा दो। राम जी ने आज्ञा दे दी, हनुमान जी चले। अब जब जाने लगे तो विभीषण जी बोले कम से कम मुकदर तो ले जाओ, कैसे मार हो। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो धन्य रे वीर बजरंग बली। कहते हैं हनुमान जी के राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात भी सही है, बताओ कोई किसी का घर फूंकने जाए, आग लगावे जाए, तब तेल ले जाए, पेट्रोल ले जाए, माचिस ले जाए, लाइटर ले जाए, पर धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं को कपड़ा, उन्हीं को तेल, उन्हीं की आगी बार के बब्बाजू चले आए। आओ धन्य है। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब जग गए हनुमान जी, गए तो विभीषण जी तो पाछे और रिपोर्टिंग करते और पत्रकार लग गए अपने अपने कैमरा लेके बड़े बड़े, सब देखने लगे कि अब मजा आया उन्हें भैया, बब्बाजू पर गए अकेले, हनुमान जी सेना पर गई ज्यादा, तो सबरे कैमरा लगाए कि अब हुज्जे का विभीषण जी तो लुके लुके देखे, कहूं हमें ना देख लें जो राक्षसता खा जाए। तो विभीषण जी लुके लुके अब देखना हनुमान जी युद्ध कैसे कर रहे, जरा कुशलता देखना, ज्ञानी नामाग्रगण्यम की बुद्धिमता वरिष्ठम की देखना। हाथी सो हाथिन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे,
एक हाथी उठाओ गिर के घुमाओ और दूसरे हाथी पे पटक मारो, सो दो ही स्वाहा हो गए। एक ऊंट के पैर पकड़े उल्टो घुमाओ सीधो घुमाओ और जान जान पैदल सेना आती ऊपर फेंक दो, तो 20-25 की 13 इकट्ठी हो गई। तो हाथी से हाथन ते मारे ऊटन तो ऊटन संगारे, जितने हाथी हते सो हाथी उठा उठा फेंक जाए, दो ही हाथी भड़ा मुड़े उनसे विस्फोट सो हो यो स्वाहा। आओ हनुमान जी लगे दबा के, अच्छा जो तो करें सो करें पूंछ, जो अपनो डेंजर एरिया फैलाए। आओ पूंछ में जितने एक बेर में आवे सो सीधा गरम मस्को सबकी हो जाए सीताराम। लेकिन रामण तो आज खुश था, रामण को तो आज पता था कि आज एन केन प्रकारन बंदर पकड़ लिया गया होगा, तो रामण तो बैठो तो बढ़िया ले रहो आनंद, युद्ध तो चल ही रहो। संवाददाता आए तो संवाददाताओं को देख करके रावण बोला, हाँ भाई कहाँ है बंदर? संवाददाता नेचे मूड करके बोले, वो तो होता ही है। रावण बोलो सेना, संवाददाता बोले समर गई। रावण खींच कर बोला, पागल होगा इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले, हुजूर बुरा मत मानना, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण चिल्ला कर बोला, मूर्ख थे जो सामने से गए, पाछे से जाती। संवाददाता बोलो, बोलो ना मानियो सरकार। रावण बोलो, नहीं नहीं बता। बोले हुजूर सामू वाले तो 2-4 मिनट टिकाई गए, पाछे भाई तो टिकाई नहीं पाए। रावण बोला, क्यों? धीरे से संवाददाता बोलो, पूंछ पूंछ के लपेड़ा में जितने आ गए एक ही बेर में स्वाहा। रावण जीत गया, बोले चुप हो, पूंछ का नाम मत लेना दोबारा, हम पूंछ सुन सुन के दिमाग भड़बड़ा गया, दसों सिर में डिस्प्रिन की गोली लग रही। हाँ बंद कर पूंछ का नाम। संवाददाता बोलो, हुजूर बता दो, सो बता दो, हम ना बता भी। रावण को रात भर नींद नहीं आई, हमने सुना कि दूसरे दिन रावण ने एक विशेष सेना बुलाई जिसका नाम था अजर अमर सेना, जो कभी मरेगी नहीं। रावण ने कहा, जा रामांदल में जो बंदर है उसे पकड़ कर लाओ जिंदा या मरा। अजर अमर सेना गई हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अब रामांदल में सब चिंता में बैठे, लक्ष्मण जी जामवंत जी सूत्रों से गुप्त सूत्रों से पता लगा के अजर अमर सेना लड़ने आ रही। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, बोले बताओ प्रभु अब लड़ना क्या? राम जी बोले, क्यों? बोले जब अमारी है तो लड़ना क्या, मरना उन्हें है ही नहीं, तो लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्या किया जाए? बोले कोई और उपाय ढूंढो। तब तक हनुमान जी बीच में खड़े हुए, बोले प्रभु क्षमा करना, हमें आज्ञा दे दी जाए, हम लड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब काल तो ठीक है, तो काल जो तुम युद्ध करके आए वे तो मरवे वाले थे, जे कौन मरने आए, ये तो अजर अमर है। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, हम भी अजर अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आपको कब वरदान मिला? अरे बोले जब हम जानकी जी की खबर लेने गए थे तब माता ने हमें वरदान दिया हुआ था। क्या? अजर अमर गुण निधि सोत हो करहिं बहुत रघुनायक छो। तब तक विभीषण जी ने ताली बजा दी के जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, जान दे। हाँ जो ठीक है, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है। आज तो रावण खुश हतो के आज तो बंदर पकड़ लिया जाएगा जिंदा या मुर्दा, क्योंकि सेना मरनी नहीं तो बंदर पकड़ना तय है। रामर तो प्रसन्न था। हनुमान जी गए, अब विभीषण और सब बानर देखने लगे कि देखो अब आज का करत हनुमान जी। हनुमान जी गए, हनुमान जी गए सो लड़े नहीं है, को उन्हें कही भैया मारो पेड़ो उखारो एक आधो पथरा लो बड़ो पटको। हनुमान जी बोले, काय कर लड़े, पतो है ये ने मन ने है ही नहीं है। तो काबू ने कही भैया करोगे क्या? हनुमान जी बोले, देख जाओ अजर अमर सेना तो लगी हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दे। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने सेना को मारा भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, करो अपनी पूंछ बढ़ाई।
अब पूछ इतनी बड़ाई के जितनी हजार अमर सेना आती सब हाँ लूम लपेट, अपनी पूरी पूंछ में लपेट लाओ पूरी सेना खा और कस के बांध दो, जा कस के बांधो सो जितनी सेना आती सूख के गा मौ सूख गो पसीना या उन लगो सब नन हा। संवाददाता ने माइक लगा लो कि तुम क्या डरा रहे, तुम तो अमर हो, तुम्हें क्या पसीना छूट रहो। अजर अमर सेना बोली जो तो हमें पता है कि मन ने नहीं है, अब लेकिन जोनिया पतो के जाने कहा है। आओ पूंछ में बंद गए हनुमान जी, एक पैर आगे रखते एक पैर पीछे ऊपर की तरफ देखते। हनुमान जी ने पूंछ घुमाई जोर से और ऊपर की तरफ देख के जोर से जय श्री राम का जयकारा लगाया और जब सेना छोड़ दी ऊपर सो सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब अमर खूब बने रहो नो प्रॉब्लम, ऊपर ही लटके रहो, अब नीचे तो आओगे नहीं। हमारे प्रभु का संकल्प है निश्चरहीन करो मही भोज उठाए प्रेम की, तो बहुत तो पूरा होने ही होने सियावल राम चंद्र की। अब संवाददाता पहुंचे रामड़ लो, रामड़ तो खुश बैठे तो बोले काहे काहे बंदरा। संवाददाता नेचे मुड़ करके बोले वो तो होता ही है। रामड़ बोलो सेना अब मर गई तो कह नहीं सकते। संवाददाता बोले गई। रामड़ बोले इतनी सेना कहां गई। संवाददाता बोले जाते तो देखी पर पता नहीं ठिकाना कहां। रामड़ बोले इतनी सेना बंद कैसे गई। संवाददाता बोले बताएंगे तो नाराज होगे। रामड़ बोला नहीं 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 बताओ बताओ। संवाददाता बोले पूछ। रामड़ बोला चुप अब मत लेना दोबारा नाम। बोले हम इसीलिए तो बता नहीं रहे थे और हमने सुना कि रामड़ को इतना गुस्सा चढ़ा कर रामड़ स्वयं युद्ध में आ गया तो राम जी से नहीं लड़ा। हनुमान जी युद्ध कर रहे थे राक्षसों से तो हनुमान जी के पीछे जाके खड़ा हो गया और पीछे गौर से देखे कि पूरा हमारा गेम तो ये पूंछ बिगाड़ रहे। हाँ युद्ध में हराने का श्रेय सबसे ज्यादा इस पूंछ का है। तो विभीषण जी ने धीरे से हनुमान जी के कानों में कहा रामड़ा यार रामड़ा। हनुमान जी बोले पाछे आवांगे आओ तो बात करती। तो विभीषण जी बोले पाछे आओ तो बात नहीं करोगे। हनुमान जी बोले पाछे वालों मामला पाछे वाला जाने, हमें क्या लेना देना, पीछे वाला मैटर बैक साइड वाले जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। रामड़ को लगा के अगर इनकी पूंछ टूट जाए या उखाड़ जाए या कट जाए अभी भी हम युद्ध जीत सकते हैं। रामड़ ने कहा करो कि देखो जाई पूंछ में काली लाए। तो रामड़ ने दो हाथन से पूंछ पकड़ी ऐसी जोर से को उन्हें हनुमान जी के कान में कही पूंछ पकड़े पूंछ। हनुमान जी बोले भी चुप रहो पाछे वालों मैटर अपने आप देखें पाछे वाले। तो गौ ने कही कम से कम लड़ो तो। हनुमान जी बोले लड़ने की जरूरत ही नहीं। रामड़ को लगा शायद हमने पूंछ पकड़ ली तो ये मुड़ेंगे लड़ेंगे हमें पटक देंगे गला पकड़ लेंगे। तो रामड़ ने पूंछ पकड़ी अब पकड़ी पूंछ हनुमान जी मुड़े नहीं हनुमान जी लड़े नहीं हनुमान जी उड़े। अब जैसे ही हनुमान जी उड़े सो पूरी गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गए तो जौन रावण पूंछ पटावे फिर रहो तो पूंछ तोड़वे फिर रहो तो ओई रावण कहवे हे शंकर भगवान कऊ पूंछ टूट ना जाए या हाथ से छूट ना जाए तो ना तो हम धरती के बचवी नए आसमान के। हनुमान जी धीरे से नीचे देख के बोले काओ रावण कैसी रही। रावण बोलो हुजूर नेचे चलो वापस फिर बताई थम फिर बताई थम। तो मानो ये कथा सुना कर गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि कभी भी संतों की पूंछ पूंछ मतलब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा उखाड़ने का प्रयास मत करना वरना ना धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे। रावण ज
जिन संतों के चरण को पकड़ना चाहिए तो उन संतों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का प्रयास करता है। हनुमान जी कहते जो संतों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का प्रयास करते उसे ना हम धरती के छोड़ते ना आसमान के छोड़ते। ऐसी हनुमान जी की पूंछ की चर्चा है लंका में।